कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज जावेद ने देखें क्या वेयर किया है। तो मैं आज जाएंगे। आपने पहना हुआ क्या पहले बताओ? पजामा और सेट। ये लड़कियों जैसा लगता है आपको? हाँ ये देखो ये जावेद को लड़कियों जैसा लगता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं गार्डन। गार्डन नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं पार्क वॉक करने के लिए। हाँ भाग। अभी जावे ट्यूशन से आया है, अभी तो बहुत टाइम हो रहा है ना, रात का टाइम हो रहा है, तो बस थोड़ी देर के लिए जाएंगे और सुबह से तब मसरूफ है ना। तब तक के लिए मैं भाग लूंगा उधर। तब तक के लिए जावर भाग लेगा, लेकिन जावर की टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं दर्द हो रहा, लेकिन फिर भी जावर भाग लेगा, है ना। हाँ। आपको ये कपड़े किसने पहनाए? आपने। आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो इसमें। प्यारे लग रहे हैं। टीचर बोलते हैं क्या बोल रहे? टीचर बोल रहे थे आप तो हीरो लग रहे हो। जावर की टीचर क्या कह रही थी? अच्छे नहीं लग रहे। बताओ ना टीचर ने क्या कहा था? तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहे हो। ये देखो जावर क्या कर रहे हैं। बिल्कुल लड़की की तरह डांस कर रहे हो। हाँ। चलो आ जाओ फिर, चलें फिर देर हो जाएगी ना। हाँ, 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 वो हो गया। जावेद क्या कर रहे हैं? कमीज सलवार के ऊपर से शूज पहनोगे? हाँ ना, अच्छा लगता हूँ इसमें। अच्छा चलो, मैं जब तक लाइट्स ऑफ करके आती हूँ। ये लाइट्स ऑफ कर दी और दूसरे कमरे की लाइट भी ऑफ कर दूँ। यहाँ की एक लाइट ऑफ कर दूँ। इस कमरे की भी लाइट जो है वो हमें ऑफ कर देते हैं। ऑफ हो गई है लाइट। चाबी पकड़ो गाड़ी की। आ गई है और जावे नहीं करते सब कुछ बात। चलो गाड़ी कहाँ खड़ी है हमारी? जगह ही नहीं है जाने की। इस साइड से खोलो गाड़ी। लाओ मुझे की दे दो। कंकना क्या बोलना? अभी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं। कहाँ पे हैं हम? हमें जोहर मोड़ पे। हम जा कौन से पार्क में? वो वाले पार्क चलो ना। कौन से वाले? पार्क के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। यहाँ पर कौन सा पार्क है? ये थोड़ा चांद दिख रहा होगा कि वहाँ पे कहाँ? जावेद हेलो तो करो। कौन है चांद यहाँ पर? पहले हेलो करो। हाँ पहले हेलो करो। हेलो, कहाँ आए हो? मैं आया हूँ गार्डन। नॉट गार्डन। और हमारे चांद पीछे पीछे आ गए क्योंकि चांद मेरा दोस्त है। ये देखें, पार्क में काफी अंधेरा था क्योंकि रात का टाइम था और ये कुछ फैमिलीज थी और कुछ बच्चे यहाँ पे वॉक कर रहे थे। जावेद जो है वो भाग रहा था, मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। और वो देखें, जावेद नज़र आ रहा होगा आपको वाइट शलवार में और इसको बहुत मज़ा आता है। अच्छा ये देखें, पता नहीं क्या हो गया, मैंने अपने मोबाइल का ना न्यू कवर लिया है। वो कवर लगाने के बाद जो मेरी वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। मुझे वीडियो बनाने के लिए जब अपने मोबाइल का कवर हटाना पड़ेगा। और ये मामा जो है मेरे पास बैठी हुई थी, वो समझिए शायद जावेद में तंग कर रहा है, तो ये भी मैं यहीं पे बैठी थी। इसके बाद फिर हम वॉक करने लग गए थे। जावेद देखें कैसे भाग रहा है। ये मेरे मोबाइल की कवर की वजह से जो है ना मेरी सारी वीडियो बिल्कुल ख़राब हो गई है। और अब जो है वो हमें मुझे या तो कवर चेंज करना पड़ेगा दोबारा से, या कवर हटा के मुझे जो है वो वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था यहाँ पर और जो है क्या कहते हैं उससे, ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और ये देखें, ये अभी हम वॉक कर रहे हैं और ये रात का टाइम है और सारी लाइट्स चल रही थी, तो इस वजह से भी वीडियो जो है वो अच्छी नहीं आ रही। अच्छा हम लोगों ने ना जूते अपने उतार दिए थे। ये देखें, मैंने भी जूते नहीं पहने हैं
और ठंडी ठंडी गीली गीली जो ग्रेस होती है ना, इसके ऊपर चलने में का मज़ा ही अपना होता है। मतलब इतना सुकून मिलता है। देखिए यहाँ पे फ्लावर्स लगे हुए थे, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप लोग सब जानते ही होंगे कि मुझे प्लांट्स कितने पसंद हैं। और ये जावर को देखें क्या कर रहा है, और ये देखिए ये कितने खूबसूरत हैं। मतलब मेरा दिल करता है कि मैं हर चीज़ जो है ना वो अपने घर पर ले जा के रख दूँ, लेकिन जो है वो हमारे घर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं जो हूँ वो बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो लगा के रखूँ। मेरा जो शौक है, मेरा ड्रीम है ना कि मेरे घर के जैसी मतलब लाउंज या सिटिंग एरिया जहाँ पर बैठ के हम शाम को चाय पिए, वहाँ खूबसूरत सा छोटा सा गार्डन हो जिसमें मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं कि कलेक्शन जो है वो मैं वहाँ लगाऊँ। और इस तरह के फ्लावर्स मेरे पास घर में भी हैं। बस आप लोग सब दुआ करें कि मेरा ये ड्रीम जो है ये पूरा हो जाए, मेरे पास एक अच्छा सा घर हो जिसका बाहर एक छोटा सा गार्डन हो और उसे मैं अपने हाथों से डेकोरेट करूँ। और बिकॉज़ मुझे प्लांट्स और मुझे बर्ड्स वगैरह बहुत पसंद हैं कि हर जगह पे जो है ना बिल्कुल नेचुरल चीज़ें होनी चाहिए कि बहुत सुकून मिले। ये देखें जितने भी प्लांट्स थे इन सब की मैंने वीडियो बनाई, लेकिन मेरी वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं आई। अच्छा, रास्ते में आते हुए जावर ने जो है ना ये पीनट्स जो है वो ले ली थी और ये खा रहा था बैठा हुआ। ये देखिए मुझे कह रहा है कि आप मुझे छील छील के दें और सारे जो है ना मैं जमा कर लिए। अच्छा, इस शलवार में बहुत ज़्यादा उसका मसला हो रहा था तो मैंने घर आके उसकी चेंज कर दी शलवार, तो मैंने उसे निकर पहना दी थी। और ये देखिए जितनी भी पीनट्स लेके आया था वो उसने मुझसे सारी खुलवा ली, और सारी खुलवा के जो है ना वो बैठ गया है कि मैं थोड़ी थोड़ी करके खाऊँ। ये देखिए ये सारी जितनी भी थी मैंने सारी से वो जो है वो खोल के दे दी थी, और अब वो बैठा हुआ है और साथ अपनी बुक्स खोल के बैठा हुआ था कि मुझे अपने ट्यूशन का काम करना है, तो साथ साथ मैं इसको काम भी करवा दी थी और वो पीनट्स भी खा रहा था। ये मैंने इसे कोन बना के दे दी थी ताकि उसमें सारी कवर हो जाए, लेकिन वो कभी खा रहा था और कभी जो है वो नीचे गिरा रहा था। ये मामा भी पास बैठी हुई हैं, वो भी पीनट्स ही खा रही हैं। अच्छा, अब ये दोनों इतना गंद कर देंगे कि मुझे जो है ना सफाई करनी पड़ेगी दोबारा से, क्योंकि मुझे कचरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन जावर जो है वो बहुत कचरा करके रखते हैं। और ये देखें आज मैंने कपड़े भी धोए थे। ये देखें ये जावर ने ज़िद करके लिया था, आप लोग कमेंट्स में बताइए क्या चीज़ होती है। जहाँ से मैंने पेरेंट्स लिए ना उनके पास ही था ये, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या चीज़ है। और बस पहले सुबह से काम से गई हुई थी, उसके बाद जावर को वॉक पर लेके गई और काफ़ी थकावट हो गई। बिरयानी आज मैंने बनाई थी, टिक्का बिरयानी, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे एक दूसरा चैनल है जायदा विद फूड उसमें मिल जाएगी, उस पर आप सर्च करके देख सकते हैं। ये मैंने चिकन टिक्का बिरयानी बनाई थी और जावर जो है वो अभी से लेके बैठा हुआ है खा रहा है। और खाना बनाने के बाद ही मैं जावर को लेके बाहर गई थी, और इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है, क्योंकि जो है वो मैं सुबह से जो है वो अपनी बुटीक गई हुई थी, वहाँ काम कर रही थी, उसके बाद फिर घर आके काम किया, फिर जावर को लेके बाहर गई और फिर कपड़े धोने वाले थे, कपड़े धोए थे, तो बहुत ज़्यादा जो है वो थकावट हो गई थी। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठी थी, देखें जगह जगह पे ना कपड़े लटकाए हुए हैं ताकि सूख जाएँ, बाहर भी हैं। और जावर जो है वो भी अपने पेनट्स उसने रख दी हैं और वो भी बिरयानी खा रहा, अभी तो कह रहा है कि मैं बिरयानी पका रहा हूँ, पहले पकाऊँगा फिर खाऊँगा। तो अभी जावर जो है वो बिरयानी पका रहा है। बहुत तंग करता है इसको ना थोड़ी थोड़ी देर में खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं देखिए सामने मैंने मेरी LED भी जो है वो ख़राब हो गई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि मैंने बनने के लिए दी है तो वो बन के आ गई है, लेकिन अभी केबल नहीं आ रही तो इसलिए स्टार्ट नहीं की, वैसे लगा दी है। और ये बाहर देखें ये सारी जगह पे जो है वो कपड़े रखे हुए हैं, और ये जावर के ट्यूशन से आया था तो बैग भी अभी तक यहीं पे रखा हुआ, इसने उठाया नहीं बिल्कुल भी, जहाँ जो चीज़ मिलती है वहीं पे फेंक देता है, कोई भी चीज़ उठाता नहीं है। और मैं भी इसे स्टोर रूम में रख दूँगी। ये देखें स्टोर रूम में हमारे बहुत कचरा होता है, और मम्मा जो हैं वो क्या कर रही हैं, लेके जा रही है साग, क्योंकि उन्होंने साग बनाया था और जो है वो किचन में कुछ कर रही थी, जिसकी कॉपीज़ जो हैं उसे भी यहाँ रखना होगा।
किचन में मेरे ख्याल से मामा जो हैं वो कुछ बना रही हैं। ये देखिए थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती हूँ, घर में इतना कचरा हो जाता है। ये देखिए किचन में क्या बना रही हैं, ये बना रही हैं चाय, इनका कावा जो है वो अभी तैयार हो रहा है, और ये जो है ये बिरयानी है जो मैंने बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की, आप लोग रेसिपी ज़रूर देख सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और ये मेरा अपना कुछ सामान है ज़रूरी, बुजी का कपड़े वगैरह थे कुछ, इसको मैंने संभाला। और ये देखें वो कपड़े धोने की वजह से जो है ना सब जगह पे जगह जगह पे कपड़े रखे हुए हैं, ये देखिए सारे कपड़े सूखने के लिए डाले हुए हैं। और ये मैं आपको अपना बाहर से लाउंज दिखाती हूँ, अब मेरे लाउंज देखिए और मेरे प्लांट्स देखिए, इतना अर्सा हो गया मैंने आपसे प्लांट्स भी अपने शेयर नहीं किए। और ये देखिए मेरे ब्यूटीफुल से प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं बाहर जो है वो बिल्कुल रात का टाइम हो रहा है, तब बस मैं सोने के लिए जाऊँगी। तो बस अपनी वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, फिर आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट करिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।